क्या भारत में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा? इसी मामले को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सदन में बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेटा ने भारत में अपनी व्हाट्सएप सर्विसेज बंद करने की जानकारी सरकार को नहीं दी है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या व्हाट्सएप यूजर्स की डिटेल साझा करने के सरकार के निर्देश को न मानने के चलते भारत में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि इस साल के शुरुआत में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में चेतावनी दी थी कि कंपनी को मैसेज के इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वो भारत में काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद से ही भारत के व्हाट्सएप यूजर्स टेंशन में आ गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में मेटा ने सीधे तौर पर भारत सरकार के नए आईटी नियमों को चुनौती दी थी। कोर्ट में मेटा की ओर से कहा गया था कि ये नियम गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। वहीं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहा कि व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा की ओर से भारत में अपनी सर्विसेज को बंद करने की जानकारी नहीं दी गई है। मंत्री ने संसद में लिखित में इस सवाल का जवाब दिया है। अश्विनी वैष्णव का ये जवाब कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के उस सवाल के जवाब में आया, जिसमें तन्खा ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत व्हाट्सएप से यूजर डिटेल लेने और उसके भारत में बंद होने को लेकर सवाल पूछा था। सरकार ने खुद पर लगने वाले आरोपों के बीच कहा कि वो सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहती हैं, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहती है। आंकड़ों की माने तो व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है, जहां चीन में पहले से व्हाट्सएप का इस्तेमाल प्रतिबंध है। वहीं यूक्रेन का सपोर्ट करने की वजह से रूस ने भी व्हाट्सएप के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। अगर भारत की बात करें तो भारत में व्हाट्सएप के कुल यूजर्स करीब 400 मिलियन हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में भारत में फैले मैसेजिंग टेक्नोलॉजी की तारीफ की थी। तब मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि भारत मैसेजिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।